अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन और अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है, इसके बारे में हम जितनी बात कम की जाए उतनी ही ज़्यादा निकलती है। ये है फ्रेंड्स, दोस्ती। पहले के ज़माने में सिर्फ दोस्त होते थे, फिर अच्छे और दोस्त होने लगे। अब चूंकि दौर जदीद आ गया है ना, इसीलिए क्या कहते हैं, हाँ, बेस्टी। बट मैं आपको पहले एक तजुर्बे की बात बता दूँ, ये बेस्टी है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसका दौरानिया ना जब ख़त्म हो जाए ना, तो फिर सलाम दुआ भी नहीं रहती। बहरहाल, अब आते हैं फ्रेंड्स पे। हम बचपन में ना बड़े लकी होते हैं, सीरियसली, क्योंकि उस वक्त के दोस्त अगर चल पड़े ना आपके साथ, तो बिलीव करें आगे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़िंदगी हर मोड़ बदलती रहती है, रिश्ता नहीं बदलता, शक्लें बदल जाती हैं। हाँ, किसी में निभाने की सलाहियत कम, किसी में निभाने की ज़्यादा होती है। पहले तो बात करते हैं स्कूल फ्रेंड्स की। ये बन जाएं तो अच्छा है, नहीं बने तो कोई मसला नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें स्कूल में दोस्त बनाने पड़ते हैं। और हम हमेशा उन लोग के दोस्त सेलेक्ट करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि हम जैसे होते हैं, हमें दोस्त वैसे ही उस वक्त पसंद होते हैं। ये सच है, आज़मा लें। और ये कैटेगरी कभी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों की, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फील्ड होती है, अलग अलग में, अलग फील्ड में अलग दोस्त बन जाते हैं, और ये आजमाई भी बात है, आपने भी आजमाया होगा। अच्छा, फिर बात, अब मैं जिस बात पर आ रहा हूँ ना, वो बात भी बड़ी ज़रूरी है कि यार, आपके कज़न अगर आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो आप बिलीव करें, आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुशकिस्मत हो। क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, ये आपके बेकार से बेकार फंक्शन को भी अच्छा बना देती है। और ऐसा है, आउटिंग पे जाने के लिए दोस्त हम लोग आजकल अलग रखते हैं, और कुलीग्स ऑफिस टाइप के दोस्त हमारे अलग होते हैं, मोहल्ले के दोस्त अलग होते हैं, लेकिन जो भी हम लोग, अच्छा, अगर आपका कोई दोस्त है ना जो आपके कहने पे भी आपके काम यूं 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 कर दे, तो आप लकी हैं। ज़रूरी नहीं आप दोस्त इसलिए बनाओ कि बहुत सारे काम हों। होता है ना, कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, यकीन करें, आप अपने किसी, आप क्या कोई बेस्ट फ्रेंड है ना या गुड फ्रेंड है, आप उसको बोल दो यार मेरा ये मसला है, यार ये मसला है, यार ये मसला है, ये मसला है, अगर वो आराम से कह देना यार आजा बैठ के बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम निकालते हैं, आप बिलीव करें 40% स्ट्रेस तो आपका ऐसे ही दूर हो जाता है। लाइफ में दोस्तों का होना, यकीन करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार आप हर बात ना अपनों से नहीं कर पाते बाज़ोकर, और अगर आपके अपने फ्रेंड जैसे हैं तो आपसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं है। तो देने वाले होते हैं कुछ लोग, उधार लेने वाले दोस्त होते हैं, बट जो मुखलिस होते हैं ना, वो हर सूरत आपका साथ देते हैं। और बाउंडिंग, दोस्तों में बाउंडिंग बड़ी ज़रूरी है भाई। बाउंडिंग ना हो ना, तो फिर गलत फहमियाँ बहुत पैदा होती हैं। दोस्ती बिला गर्ज करें, यकीन करें, दोस्त आपका साथ दे जाएगा। मैं लाइफ में लकी हूँ, अच्छे दोस्त मिले, शायद हैं भी, आज नहीं भी हैं सामने, लेकिन जब आते हैं, जब बात होती है, जब हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं, तो दिल से दुआ ही निकलती है। तो दोस्तों के साथ आपके वाकयात, कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका, कमेंट में बताएं, बहुत अच्छा फ्रेंड है तो भी कमेंट में बताएं, दुश्मन नमा दोस्त हैं तो भी बताएं, और कोई किस्सा अगर आपका दोस्ती के साथ हो ना, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे तो बहुत सारे अच्छे किस्से हैं, लेकिन मैं एक किस्सा ज़रूर शेयर करूँगा कि 2000 बहुत साल पहले हमारे प्रिंसिपल खड़े हुए थे काउंसलर के लिए एरिया के, तो उन्होंने मुझे, मेरे एक दोस्त को चुना था हम लोगों को, कि हमें ना घर में जाके ना कार्ड देने हैं। सो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने बोला इनको वोट दीजिएगा, आज़ाद उम्मीदवार है, शुक्रिया। मेरे फ्रेंड ने ना, वो स्टिल मेरा टच में है फ्रेंड, सीरियसली टच में है, और बहुत पुराना दोस्त है, उसने दरवाज़ा खटखटाया, कहा मोर को वोट दीजिएगा, आज़ाद उम्मीदवार है। तो उस खातून ने कहा जाओ बाबा माफ़ करो मैं बड़ा हंसा, अलग इस वाक्य को, नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 30 साल तो हो गए, सीरियसली हम लोग काफ़ी छोटे थे, बट आज भी वो याद आता है ना तो हंसी आ जाती है। सो अगर आपके पास भी कोई दोस्ती का ऐसा वाक्य तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये दोस्ती का पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा, लेकिन आपके रिस्पॉन्स के बाद। अल्लाह हाफिज़।